तमाम महागठबंधन सहयोगियों के माध्यम से वो स्वयं भी बोलेंगे। सर्वप्रथम तो हम बिहार, बिहार की जनता, युवा, बुजुर्ग, माँ बहन को प्रणाम करते हैं। अद्भुत चुनाव रहा, बावजूद तमाम उकसावे के, बहकावे के, मुद्दे पलटने के, मुद्दे से हटाने की, बिहार ने अपने मुद्दे नहीं छोड़े, अपने अपने आत्मा में आत्मसात कर लिया, शरीर में, अपनी चर्चा में, अपने विमर्श में। इसलिए नौकरी, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, आशा कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जीविका दीदी, रसोईया गण, उसके अलावा संविदा कर्मचारी, समान काम समान वेतन, कर्पूरी श्रमवीर सहायता केंद्र, ऐसे मुद्दे जो एक आमूलचूल परिवर्तन का आगाज करने की घोषणा कर रहे हैं, बिहार ने उन मुद्दों को नहीं छोड़ा। तीसरे चरण का मतदान लगभग समाप्त हो चुका है। मैं समझता हूं कि प्रतिशत भी पहले दो चरणों के आसपास या थोड़ा आगे ही रहेगा। एक जो चीज स्पष्ट है, आपको स्मरण होगा कि हम पूरे गठबंधन के सहयोगी जब आपके पास पिछली बार आए थे, यानी कि तारीख 3 को, हमने कहा था कि हमने बहुमत का आंकड़ा छू लिया है, तीसरा चरण उसकी उभार में बढ़ोतरी करेगा। तो आज मैं आप सबके माध्यम से कहूं कि ये बहुमत से अपार बहुमत के साथ हम लोग हैं, और इसके लिए हम सिर्फ गठबंधन के सहयोगी, जिसके बारे में अब दिल्ली पटना में चर्चा हो रही है, ऐसा नैसर्गिक गठबंधन लोगों ने नहीं देखा था जमीन पे। मैं समझता हूं सिर्फ पटना में नहीं, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, यही छवियां गांव, गली, शहर, हर जगह थी। तो मैं समझता हूं सब लोगों का इसमें योगदान रहा, और सबसे बड़ा योगदान बिहार के मतदाताओं का रहा है। उनको हिंसक विमर्श की ओर ले जाया गया, लेकिन वो नहीं गए। मैं पुनः एक बार इतना सिर्फ कहकर के बात खत्म करूंगा कि ये बदलाव की जो संकल्पना महागठबंधन ने की थी, जिसको बिहार ने हाथों हाथ लिया, आज उस संकल्पना के पूर्ण होने में महज 48 घंटे, ये देखिए कि बहुमत का जो आंकड़ा है 122 है बिहार के असेंबली, ये 122 से कहां जाके रुकेगा, इसका आकलन आपको भी नहीं। अच्छा आपको है? हमें भी नहीं है। अच्छा आपको भी नहीं है? प्रेम जी हंस रहे हैं। नहीं, वो कह रहे 122 से ऊपर कहां जाके रुकेगा, 40, 50, 60, कुछ भी हो सकता है, बस वो नहीं होगा। प्रचंड का मतलब कि मणिपुर में एक विधायक और सरकार बन गई। गोवा कहां भूला, कितना याद करेंगे। और कोई सवाल दोस्तों? आप सबका फिर धन्यवाद। आप लगातार आप लोगों से चुनाव के दौरान, चुनाव के एक मिनट चुनाव के आप लोगों के लिए भी बहुत टफ फेज रहा है, बीता एक महीना, आप लोगों ने दिन रात मेहनत की है, आपकी मेहनत को सलाम। और इतना कहना चाहते हैं कि बदलाव की इस पूरी बयार में आप भी सहयात्री रहे हैं। उसके बाद बिहार में अपने सरोकार की सरकार बनेगी, और महज सरकार नहीं बदलेगा, सरोकार बदल जाएंगे बिहार के। आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये जरूर कहूंगा कि बिहार के मतदाताओं ने पूरे देश को एक तरह से अलग जगह करके दिशा दे दी है। अब कहीं भी चुनाव होंगे, लोग कहेंगे मेरी रोटी, मेरी थाली, मेरे रोजगार, मेरे स्वास्थ्य, मेरी शिक्षा पर बात करो, आसमान में टंगे हुए मुद्दों से हमें बात नहीं करनी है। अब मेरे बाद अब मैं समझता हूँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेमचंद मिश्रा जी। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि पूरे चुनाव कैंपेन में आप सबने हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर हमारी बातों को जनता तक पहुंचाने का काम किया है। इस अवसर पर हम आज थर्ड फेज के इलेक्शन समाप्त होने के बाद राज्य की जनता को भी धन्यवाद देते हैं। उन्होंने बड़ी उत्साह से महागठबंधन के पक्ष में मतदान किया है, हमारे प्रत्याशियों को अपना समर्थन दिया है, और आज भी अभी भी जो फीडबैक मिला है दिन भर का, वो बहुत ही उत्साहवर्धक है। हम न सिर्फ कंफर्टेबल मेजोरिटी से आगे बढ़े हैं, बल्कि ये परिणाम इतने चौंकाने वाले होंगे कि आप देखेंगे कि एक बड़ी बहुमत के साथ महागठबंधन की सरकार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में बनने जा रही है। हम इसके लिए सभी मतदाताओं, खासकर युवा वर्ग जो हमारे साथ खड़ी रही है, और हमने जो उनके लिए एजेंडा सेट किया, बिहार में पहला मौका था चुनाव में जब विपक्ष के एजेंडा को सभी पार्टियों को बाद में मानना पड़ा। एजेंडा हमने सेट किया कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, इस पर सभी लोगों को बाद में आना पड़ा।
तो ये पहली जीत हमारी हो गई कि विपक्ष के एजेंडा को सबने माना और उसका फायदा हमें ये हुआ कि 15 साल से जो सत्ता में बैठे लोग थे उनसे जो निराशा थी लोगों को उनको एक आशा जगी।